स्वागत है आपका हमारे चैनल शॉपिंग लवर्स पर। तो दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे चैनल का जो मकसद है वो ऑनलाइन शॉपिंग प्रोडक्ट का रिव्यू करके आपको बताना है, ताकि जब भी आप फ्यूचर में ऐसा प्रोडक्ट ले लें तो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी हो, इसकी क्वालिटी के बारे में पता हो, इसके रेट के बारे में पता हो और इसके फीचर्स के बारे में पता हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के रिव्यू मिलते रहें और आपको जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, हमने बहुत सारी वीडियो पहले दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर बनाई है। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देखें। तो आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है कलसी का इंस्टेंट जूसर। दोस्तों, आप सभी के घर में मिक्सी जूसर वगैरह होते होंगे और उसमें आपने फ्रूट जूस भी बहुत बार बनाया होगा, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट है। वो जूस की क्वालिटी भी आपने देखी है और उसका जो आपने फिल्ट्रेशन पार्ट भी देखा होगा और उसमें क्या कितना बचता है जूस, अगर आप कुछ फ्रूट्स का जूस बनाते हैं और उसमें कितना जूस आपको मिलता है। और आज हम आपका इसमें जूस निकाल कर दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे इसमें कितना क्वालिटी का, कितना अच्छा क्वालिटी का दूध और कितना क्वांटिटी में मिलता है, वो सब हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और आप इसे ऑफलाइन बाजार से भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्द से जल्द इसको ओपन करते हैं और इसका रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा प्रोडक्ट कलसी का इंस्टेंट जूसर मेकर, ठीक है। तो अब हम इसमें जूस निकालकर आपको दिखाएंगे और उसका क्वांटिटी भी आपको दिखाएंगे। तो एक बार आप प्रोडक्ट को अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम आपको इसको फिट करके दिखाएंगे इसमें क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसको कैप बोलते हैं, ठीक है, इसको हम रोड बोलते हैं, रैक बोलते हैं, ये हैंडल है, ठीक है, और इसको हम हेड सेक्शन बोलते हैं, हेड, ठीक है। ये है हमारा ग्रिप हैंडल, इसको हम ग्रिप हैंडल बोलते हैं, ठीक है। और प्रेशर कप, ये है प्रेशर कप, ठीक है, इसको हम प्रेशर कप बोलते हैं। जब कोई भी फ्रूट हम यहाँ पे रखेंगे इस पार्ट पे, वो आपको हम करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेनर कप, यहाँ पे एक स्ट्रेनर कप फिट होगा, हम आपको दिखा देते हैं कौन सा स्ट्रेनर कप है। ये स्ट्रेनर कप है इसका, ठीक है, जो जूस को स्ट्रेन करेगा। उसके बाद है वी कप, ठीक है, जो वी कप है, ये वी कप है। अब हम आपको इन दोनों पार्ट्स को फिट करके दिखाएंगे ये कहाँ पर फिट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको सेट करना बहुत इजी है। इसके अंदर ऐसे रखना है और इसको हल्का सा ऐसे राउंड शेप में घुमाना है। तो देखिए ये इसके अंदर फिट हो गया है, अब ये निकलेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर फिक्स हो गया है, ये देखिए इजीली। और इसके अंदर लगाना भी बहुत इजी है, आप देख रहे हैं ये जो बना हुआ है यहाँ पे भी ऐसा ही निशान है। तो इसके अंदर फिट करना है इसको और रख के बिल्कुल इतना सा ऐसे घुमाना है, बिल्कुल थोड़ा सा, फुल राउंड भी नहीं घुमाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा घुमाना है। और जो हम फ्रूट लेंगे वो हाफ शेप में कट करेंगे, मतलब इसमें आप ऑरेंज जूस, अनार जूस और कीवी जूस, तीन तरह के जूस आप बना सकते हैं। तो उसको फ्रूट्स को हमें ऐसे राउंड शेप में कट करना है। अनार को भी मोस्टली, अनार खाना और इसको निकाल के सबको खाना, बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल काम होता है, ये सबको बहुत प्रॉब्लम लगती है ये सब फिनिश करना। और इसमें अगर जूस बनाते हैं ना तो इजीली बन जाता है। और कई बार क्या होता है, हम जूस बना रहे हैं तो एकदम से लाइट चली जाती है तो जूस है वो बीच में ही रह जाता है, इसमें वो भी प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे मेन प्रॉब्लम जो लेडीज को होती है कि जूस पीना सबको पसंद है बट बाद में जो बर्तन, इतने ढेर सारे बर्तन होते हैं, उसे क्लीन करना सबके लिए मुश्किल होता है। तो इसमें वो सब नहीं करना होगा, वो बर्तन साफ करने का झंझट नहीं है। सिर्फ आपको एक ये कप क्लीन करना है और इसके साथ आपके ये मिलता है एक जूस, इसी के अंदर इसके साथ ही आपको मिलेगा तो डायरेक्ट जूस इसमें आएगा। और इसमें एक बेनिफिट आपको ये भी मिलेगा कि आपको जूस की जो क्वालिटी है वो पल्प के साथ भी मिलेगी। अगर आप ऑरेंज जूस पी रहे हैं
तो आप देखेंगे कि जूस एक बार आप ट्राई करेंगे तो अगर आपको पल्प भी साथ में पसंद होता है, कई बार हम होटल्स में जाते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स आता रहता है पीसेस, तो इसमें भी ये वही है। इसकी क्वालिटी जूसर की मेन यही है कि इसमें आपको पल्प मिलेगा। और बाय चांस किसी को फैमिली में ऐसा होता है कि उन्हें पल्प नहीं पसंद है, उन्हें प्लेन जूस पसंद है, तो आप फिर से अपना स्ट्रेनर लेके उसे स्ट्रेन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अब आपको इस जूस निकाल के बताएंगे। इसमें जूस निकालना बहुत ईजी है, आपको हाफ कट किया हुआ पीस यहाँ पे रखना है और इसको ऐसे घुमाना है, और ये ग्रिप है, ग्रिप हैंडल है, जो इसको पकड़ के आपको सिर्फ ऐसे करना है बहुत इजीली। आप देखिए नीचे जूस कैसे आ रहा है, बस थोड़ा प्रेशर के साथ करना है ताकि वो जूस इजीली निकल जाए। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इसके अंदर जूस आ गया है, देखो। एक बार फिर से हम करेंगे, देखिए फ्रेंड्स मैं इसको आपको दिखाती हूँ कैसे इसका जूस निकल गया है। तो आप देखेंगे कितने अच्छे से क्लीन हो गया है, ये सब अच्छे से जूस निकल गया है इसका। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कितना अच्छा और प्योर जूस मिला है आपको। ऐसे ही हम और निकालेंगे, दोस्तों इस कलसी जूसर मिक्सर का एक और ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। अगर हम जूसर मिक्सर में जूस बनाते हैं तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है ना, तो वो भी हम सोचते हैं अगर इससे बनाएंगे, एक तो हमारे जो हैंड है, हाथ है, उसका जोर लगेगा, हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं लगेगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट, ऑरेंज मौसमी का जूस भी दोनों को मिक्स करके हम बना रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने मौसमी का जूस निकाला है, देखिए इसका जूस भी बहुत अच्छे से निकल गया है। मैं फिर से आपको एक बार और करके दिखाती हूँ। और इसमें जूस बनाने का टेस्ट ही अलग है, अब ट्राई करके देखना इस जूसर में और दूसरे जो मिक्सर जूसर आते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, उनमें बहुत डिफरेंस होगा जूस के, जूस की क्वालिटी में ही डिफरेंस होगा। फ्रेंड्स देखिए हमारा ये जूस बन गया है, अब देख सकते हैं जूस कितना अच्छा बना है, और ये पीने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसके अंदर ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, चाट मसाला, सिंपल सॉल्ट, जो भी आपको अच्छा लगे आप जूस में मिक्स कर सकते हैं। और सबसे मेन बात यही है कि इसमें बर्तनों का झंझट नहीं है, हमें ढेर वरना जूसर में मिक्सर जूसर में जूस बनाते हैं तो उसके बाद में ढेर सारे क्लीन करने के लिए जब बर्तन दिखते हैं तो जूस फिर से जूस बनाने का मन ही नहीं करता है। तो इसका सबसे एक स्पेशली पार्ट यही है कि हमें बर्तन जूठे नहीं होते हैं और इतने सब थोड़ा सा है देखिए, और जूस भी बहुत अच्छा निकल गया है, देखिए किस तरह से ये खाली हो चुका है, देखिए फ्रेंड्स। और इसको क्लीन करना भी बहुत है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको थोड़ा सा केयरफुली आपको वॉश करना होगा, क्योंकि अगर ये आपके हैंड से नीचे गिरता है तो इसके टूटने का थोड़ा सा है कि, पर इतना भी सॉफ्ट नहीं है कि टूट जाएगा, बट हाँ अगर जैसे ये तो फुल आयरन का है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जिस मटेरियल का ये बना है तो ये टूटने का थोड़ा होता है, बट बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा अगर हम जोर से इसे फेंकेंगे तो टूटने का होता है, अदरवाइज सब क्वालिटी इसका बहुत अच्छी। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी मटेरियल का बना हुआ है, आप देख सकते हैं, और एक ग्रिप हैंडल भी बहुत अच्छा है इसका, और इसका बेस है जो स्टैंड है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। हमें तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है, आप भी इसे एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। आप इसमें कीवी का जूस भी निकाल सकते हैं, आप ऑरेंज, अनार और कीवी तीनों चीज का जूस बना सकते हैं और बहुत इजीली बन जाता है इसमें। तो दोस्तों इसके साथ इनका जो मैनुअल है वो भी दिया गया है, कौन कौन से इसमें पार्ट्स हैं वो भी बताए गए हैं, और कैसे कैसे आप इसको रन कर सकते हैं वो भी इस मैनुअल में बताया गया है, ठीक है। तो कैसे इन पार्ट्स को क्लीन करना है, कैसे फिट करना है, वो भी इसमें सब कुछ बताया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोडक्ट, हमने इसका रिव्यू किया, इसको रनिंग करके देखा
कैसे इसमें पार्ट्स फिट होते हैं और कैसे जूस निकलता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।